टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सर्जिकल मास्क बना के फेस मास्क बना के बताऊंगी। पहले भी मैंने फेस मास्क बनाए हुए हैं, डाले हुए दो वीडियो, लेकिन ये मैं अलग बनाऊंगी। ये बिल्कुल कंफर्टेबल है, बिल्कुल पूरा मुंह कवर कर लेता है। और ये इसमें जो लास्टिक मैं लगाने वाली हूँ, ये डोरी वाली लास्टिक है, गोल वाली लास्टिक है, उससे भी पतली जो पहले लगाई थी। तो सबसे पहले हम कपड़े को ये एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे। कपड़ा सिर्फ सिंगल फोल्ड करना है। इसके बाद हम यहाँ से नापेंगे 4 इंच। देखिए यहाँ पे लेंगे हम 4 इंच। ये डबल है इसलिए 4 लिया है, और ये सिंगल है लेंथ में इस तरह, तो इसको हम 8 इंच कर लेंगे। हमने बराबर कपड़ा लेना है चारों तरफ से। इसे काट लेंगे। ये देखिए इसको मैंने काट दिया है। ये देखिए मेरा बराबर पीस है, 8 इंच 8 इंच, चारों तरफ से ये 8 8 इंच है। अब इसके नीचे ये लाइनिंग लगाएंगे। लाइनिंग के ऊपर कपड़े को रख के हम यहाँ किनारी से सिलाई लगा देंगे। ज़्यादा दबाव इसमें नहीं करना है, सिलाई हमने किनारी से लगानी है। चारों तरफ से इसको अटैच कर देंगे। एक्स्ट्रा लाइनिंग को हम कट कर देंगे। और इसके कोई भी दो सिरे आमने सामने के हम पहले बारीक फोल्ड कर लेंगे इस तरह। देखिए इस तरह इसको हम बारीक फोल्ड कर लेंगे। ये सिलने के बाद हम इधर से इसके बिल्कुल आमने सामने के हिस्से को भी हम ऐसे ही बारीक फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए ये इधर भी मैंने फोल्ड कर दिया और इधर भी मैंने फोल्ड कर दिया। यहाँ हमने फोल्ड नहीं किया है। अब जब इस साइड हम फोल्ड करेंगे, उससे पहले हम लास्टिक लेंगे। लास्टिक की लंबाई हम 6 इंच रखेंगे। आपको अगर बहुत ज़्यादा लूज चाहिए तो आप 6.25 इंच कर लीजिए। ये मैंने 2 पीस 6.5 इंच के लास्टिक के ले लिए हैं। जब यहाँ से इसको बारीक फोल्ड करेंगे, फोल्ड करते टाइम इस किनारी के नीचे हम लास्टिक को ऐसे रख लेंगे। देखिए इस तरह से बिल्कुल इसको दबा देना है इसके अंदर। बिल्कुल कोने पे हमने ये लास्टिक इसके लगानी है।
और इसको अच्छे से पक्का कर देंगे ताकि ये हमारी दो तीन बार सिलाई लगाएंगे, क्योंकि ये डोरी वाली इलास्टिक है तो इसको अच्छे से हम दबा देंगे, नहीं तो ये निकल जाएगी। फिर इसको पूरा बारीक फोल्ड कर लेंगे और इस कोने पे भी जब हम आएंगे तो ये इलास्टिक हमने इधर से दबा देनी है। ये देखिए इधर से ये भी हमने इसके साथ में ऐसे दबा देनी है। दो तीन बार इसके ऊपर हम इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए ये मैंने इस कोने में भी ये दबा दी है और इस कोने में भी दबा दी है। अब दूसरी इलास्टिक हम इधर दबा लेंगे और इसको ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे जैसे हमने इस तरफ की है। देखिए दोनों साइड मैंने ये डोरी लगा दी है और इसको चारों तरफ से सील दिया है। अब यहाँ इसको हम सीधा करेंगे और इलास्टिक को अंदर की तरफ रखते हुए यहाँ इसमें हम तीन प्लेटें डालेंगे। ये बहुत ही कंफर्टेबल रहता है, पूरे मुंह को कवर कर लेता है। तीन प्लेटें हम आधे आधे इंच की डालेंगे। देखिए इस तरह से एक यहाँ पे, एक फिर थोड़ी सी आगे और तीसरी यहाँ पे। इस तरह से हम यहाँ पे तीन प्लेटें डाल देंगे। प्लेट जो है आधे इंच की इसमें रहेगी, तीनों आधे आधे इंच की प्लेट रहेंगी। ये एक तरफ मैंने प्लेट डाल दी है। अब दूसरी तरफ इसके अपोजिट हम ऐसे डालेंगे, बिल्कुल यही प्लेट ऐसे उठाएंगे। जितना कपड़ा उधर उसमें दबा है उतना ही हम इस साइड भी दबा देंगे, कम ज़्यादा नहीं करना है। दूसरी प्लेट भी ऐसे ही सेम उसके जैसे, और तीसरी प्लेट भी वैसे ही। नीचे ध्यान रखना कि हमारी इलास्टिक दबनी नहीं चाहिए। ये देखिए ये मेरी तीनों प्लेटें ऐसे बराबर आई हैं। इसको जब हम यहाँ से नापेंगे तो ये 4.25 इंच ही है, लेकिन ये खुल के देखिए ये बड़ा हो जाएगा। इसको जब लगाएंगे बहुत ही कंफर्टेबल ये है और पूरे मुंह को कवर कर लेता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू।